तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाले की कौन है फ्रेश वीडियो में। आपके सामने खड़ी है मारुति की स्विफ्ट स्विफ्ट विक्साई। और यंग जनरेशन का कोई भी बंदा होगा ना, अगर वो शोरूम जा रहा है मारुति के, तो पहली शर्त ये गाड़ी देखेगा, उसको और कोई गाड़ी पे नज़र नहीं जाएगी। अगर ये गाड़ी शोरूम पे खड़ी है ना, तो उसकी नज़र इस पे जाएगी और उसकी गाड़ी के फीचर्स और अंदर से बैठ बैठ के सब देख लेगा। और अगर मन में आ भी गई तो उसको बुक भी करा देगा, इतनी अच्छी ये गाड़ी है। और गाड़ी को लेने से पहले कोई डिमांड भी नहीं होती बंदे की कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भाई सिंपल सोवर LXi भी लेके चला आएगा बंदा, बाद में आके मॉडिफाइड करा लेगा अपने हिसाब से और फिर रोड पे निकल जाएगा टोरे मारता हुआ, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं इस कार के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है VXi वेरिएंट में। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. तो चलिए शुरुआत करते हैं गाड़ी की जो इंजन पावर है उससे और बात करते हैं पहले इंजन की। तो इंजन आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का, और जो पावर जनरेट करता है ना वो करता है भाई साहब आपकी 88 BHP और 113 Nm का आपको टॉर्क निकाल के देती है ये गाड़ी। तो फ्रंट लुक की बात कर लें तो यहाँ पे आपको हनीकॉम पैटर्न आपको ग्रिल मिल जाती है और क्रोम की स्ट्रिप आपको मिल जाती है, सुजुकी का आपको लोगो मिल जाता है। अब इमेजिन करो कि अगर ये टोयोटा वाले गाड़ी ले लें और इसका डिज़ाइन बिल्कुल टोयोटा की कुछ गाड़ियों जैसा ही मिलता जुलता आपको मिलता है, जो ग्रिल का आपको डिज़ाइन मिलता है ना साइड से एजेस जो है वो, अब इसमें टोयोटा का लोगो लग जाए तो आपको ये गाड़ी कैसी लगेगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग वगैरह मिल जाती है, ये स्ट्रिप निकल जाती है। और भाई साहब जब आप मॉडिफाइड करवाओगे ना तो यहाँ पे आपका फॉग लैम्प लग जाएगा। और रिफ्लेक्टर बेस आपको हेडलाइट यूनिट आपको देखो मिल जाता है, जो आपका लो बीम हाई बीम दोनों साथ में रहता है। और यहाँ पे आपका इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहती है। और फ्रंट लुक आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड में बात करते हैं पहले टायर सेक्शन से। तो टायर सेक्शन ये रहा आपका, ये है आपका स्टील रिम, व्हील कैप्स गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं, विद व्हील कैप्स गाड़ी आपको मिलती है। और बात करते हैं टायर साइज की, तो 165/80R14 यानी 14 इंच के जो हैं वो स्टील रिम आपको मिल जाते हैं। 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है। और गाड़ी के जो व्हील बेस है वो आपको 2450 mm का आपको मिल जाता है अप्रॉक्स। और बाकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बात करते हैं ओआर बीम्स की, तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल आपको नहीं मिलेंगे। विद टर्निंग इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। ए पिलर आपका मैट ब्लैक रहेगा, बी पिलर भी आपका मैट ब्लैक रहेगा, और सी पिलर आपका इस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ मिल जाता है, जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पे आपका हैंडल रहता है, डोर हैंडल, और डोर हैंडल बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं रियर की, तो यहाँ पे आपको LED बेस्ड आपको लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको LXi मॉडल से ही देखने को मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है, स्विफ्ट की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, कोई भी डिफॉगर आपको नहीं मिलता, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, और एक एंटीना आपको मिल जाता है जो कि आप आफ्टर मार्केट सर्विस एंटीना लगवा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि अब आपको इंटीरियर दिखाते हैं बिना देरी करे। तो इंटीरियर में चलते हैं, गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो उससे पहले आपको डोर दिखा देते हैं, तो डोर जो है वो आपको ऑल ब्लैक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने में लगेगा। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल जाती है, 4 पावर विंडोज़ आपको मिल जाते हैं, जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो डाउन के साथ आपको मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुशनिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी कुशन वगैरह देखने को मिल जाता है। फैब्रिक यहाँ पे दिया गया है, फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, बोतल होल्डर की जगह नीचे मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ रख सकते हैं, स्पीकर आपको यहाँ पर लगे हुए मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टमेंट के साथ ऑप्शन आपको मिल जाता है, सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साइड सपोर्ट भी आपको मिल जाता है अंदर। और यहाँ पे बात करते हैं अंतर्थाई सपोर्ट की, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं अंदर में और क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है।
आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन आपको मिल जाते हैं। हेडलाइट लेवलर का आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। एसी वेंट्स आपको ब्लैक कलर के मिल जाते हैं जिसमें आपको कोई भी क्रोम का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सेंटर में एक स्क्रीन आपको मिल जाती है जो कि आपका सब कुछ बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देगी कि क्या आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी है, क्या आपका एवरेज है, क्या गाड़ी का फ्यूल का, सब कुछ आपको मेंशन हो जाएगा सामने। और यह है आपका आरपीएम का और यह है आपका स्पीडोमीटर। गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं है इसलिए मैं आपको स्टीयरिंग क्लस्टर जो है वो चार्ज चालू करके नहीं दिखा सकता। और स्टीयरिंग जो है वो आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है। सारे वॉइस कमांड के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। SRS की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। सुजुकी का आपको लोगो मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो आपका ये आपका म्यूजिक सिस्टम जो कि टच रिस्पॉन्स वाला है जिसमें आपको कोई भी बटन्स नहीं मिलते। आपको ऐसा लगा हुआ देखने में बाहर से ऐसा लगता है जैसे कि आपका कोई भी LCD स्क्रीन आपको लगी हुई है जो कि एंड्रॉयड ऑटो आपका प्ले जैसी आपको देखने में बाहर से लगती है पर है नहीं। ये आपका सब कुछ जो है वो टच रिस्पॉन्स है। आप टच करेंगे तो आपका काम करेगा। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है वॉल्यूम कम करनी है, अगर म्यूजिक चेंज करना है, रेडियो सुनना है तो रेडियो, आपका मीडिया सुनना है मीडिया, तो ये सब आपको मिलता है। AC वेंट यहाँ पे सेंटर में जो है वो राउंड शेप में मिल जाते हैं जो कि आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ वो आपको मिलते हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं AC यूनिट जो कि आपको मैनुअल मिलती है जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिल जाता है। ऑक्स और USB के पोर्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है। 2 कप होल्डर की जगह आपको यहाँ मिल जाती है। 5-speed मैनुअल गियर लीवर आपको यहाँ देखो मिल जाता है इस जगह। उसके सराउंडिंग आपको सिल्वर फिनिश भी आपको मिल जाती है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम सा आपको देखने में लगेगा। क्रोम नॉब के साथ आपको हैंड ब्रेक मिलता है। यहाँ पे अपना एक पोर्टल रख सकते हैं। और बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो डिसेंट साइज का जो ग्लव बॉक्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। सिल्वर फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी लगती है। बात करें IRVM की तो नॉर्मल डे नाइट के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, वॉइस कमांड के स्पीकर यहाँ दिए गए हैं। और ड्राइवर साइड आपको एक टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर साइड आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल जो है वो फोल्डेबल आपको मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है। और आप चलते हैं गाड़ी के रियर में और रियर में चल के दिखाते हैं और आपको क्या क्या मिल जाता है। एक एयरबैग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप चलते हैं फटाफट से रियर में और दिखाते हैं रियर में ऐसा क्या कंफर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सीट की जो कुछ नहीं है वो तो मैंने आपको बताई थी, काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट सीट्स पे। रियर सीट्स पे आपको जो है चल के दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे, तो यहाँ से अपना डोर ओपन करेंगे। और बात करते हैं रियर डोर की, तो यहाँ पे कोई भी कुशन नहीं मिलता जैसे आपको फ्रंट सीट पे मिल जाता है वैसे आपको रियर सीट पे नहीं मिलेगा। रियर पावर विंडो आपको यहाँ मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल्स आपको दिए गए हैं। बोटर नीचे भी आपको मिल जाती है। स्पीकर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं गाड़ी की अंदर चल के, तो सीट का जो कम्फर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। जो सीट है वो मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है तब जाके मेरे पास बिल्कुल भी जगह जो है वो नहीं मिलती, तब भी मैं आराम से कंफर्टेबल बैठा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है कि भाई मेरे ये घुटने अड़ रहे हैं या क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। बात करते हैं गाड़ी की जो सीट है उसकी कंफर्ट की, तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। आरामदायक सीटें हैं, कुशन जो है वो अच्छा सा इस्तेमाल किया गया है। और ये हैं आपके व्हील कैप्स। और जो रियर के हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स मिलते हैं। सेंटर में कोई भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया गया है। सीट बेल्ट भी आपको रियर की जो है वो मिल जाती हैं जो कि अच्छी बात है। और ग्रैब हैंडल तो आपको मिल जाते हैं फोल्डेबल। रियर में कोई ऐसी इवेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, तो रियर से लुक आपको कुछ इस तरीके की डैशबोर्ड की आपको मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस में, दिखाते हैं आपको बूट स्पेस कैसा क्या आपको मिलता है। तो चलिए आपको बूट स्पेस खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो बटन आपको मिल जाता है और दबाते के साथ ही सीधा ऊपर कब भागता है ये पता नहीं क्या ही ऊपर मिलता है इसको जाके। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाता है। 2868 लीटर का जो है आपको बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं स्पेयर टायर की, तो लैंप वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपका टूल किट मिल जाती है, ठीक है। और यह है आपका हुक वगैरह यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे आपका स्पेयर टायर यहाँ रखा गया है। जो कि साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलता है वो मिलता है आपको 14 इंच का ही जो है वो स्पेयर टायर है वो आपको मिल जाता है। सेम ही साइज़ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और एक आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोग बाग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। 98% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।